पाकिस्तान के शहबाज शरीफ का यह बयान पूरे पाकिस्तान की तस्वीर पर कैक्टस उगा गया, जिसमें उन्होंने कहा कि ट्रंप कार्ड ट्रैप कार्ड था। ट्रंप और मोदी ने मिलकर पाकिस्तान को धोखे में रखकर ध्यान भटकाया और दोनों की सह पर शाह बड़ा गेम खेल गए। इमरान खान जैसे वजीर आजम को इससे बढ़िया सबक नहीं हो सकता। उन्होंने पाकिस्तान की बढ़िया लोपी बजाई है। दरअसल मोदी सरकार ने जिस प्रकार 370 को एक ही झटके में कूड़े के ढेर पर फेंका और जम्मू कश्मीर पर पूरी तरह भारत का नियंत्रण कर लिया, उसके पीछे कितना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खेल खेला गया है उसे भी पूरी तरह समझना होगा। 21 जुलाई को इमरान खान अमेरिका के लिए उड़ान भरते हैं, पर शुरुआती वक्त में इमरान का अमेरिका में कोई स्वागत नहीं होता, ना उनके अमेरिका आगमन को कोई महत्व मिलता है। लेकिन अगले दिन ट्रंप से मुलाकात में घटनाक्रम तेजी से बदलता है और ट्रंप के कश्मीर मध्यस्थता के समाधान के बयान से पूरे पाकिस्तान में गधैया नृत्य शुरू हो जाता है। लेकिन भारत में इसको लेकर हड़कंप मच जाता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि जब पूरा देश डोनाल्ड ट्रंप के बयान को लेकर उबल रहा था, तब नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर बिल्कुल मौन थे। भारत के विपक्षी दल भी उनसे बयान की मांग करते रहे, मगर जवाब उनकी कैबिनेट के मंत्रियों ने दिए, मोदी ने बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान में यही मुद्दा सबसे चर्चा का विषय है कि मोदी चुपचाप अपना काम कर रहे थे। पाकिस्तान का यह भी आकलन है कि ट्रंप को मोदी ने विश्वास में लिया हुआ था और उन्हें पहले से मालूम था कि कश्मीर में कुछ होने वाला है, लेकिन उन्होंने मध्यस्थता वाला बयान देकर मोदी के दिमाग में चल रही योजना से पाकिस्तान का ध्यान भटका दिया। पाकिस्तान के विश्लेषकों का भी ऐसा ही अनुमान है। उनका कहना है कि जो लोग यह सोचते हैं कि कश्मीर में 370 हटाने का फैसला 22 जुलाई के बाद तय हुआ, वे अंधेरे में हैं। ऐसे कदम उठाने के लिए मोदी सरकार लंबे वक्त से काम कर रही थी। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में उन्होंने बहुत मेहनत की है। इन पाकिस्तानी जानकारों की सोच बिल्कुल सही है। कश्मीर में मोदी सरकार के साहसिक निर्णय के खिलाफ दुनिया तटस्थ नजर आ रही है। ट्रंप का भी कोई बयान नहीं आया है। पाकिस्तान फिर से अकेला है और केवल इस्लामाबाद के चौराहे पर इद्दत करने की तैयारी कर रहा है। कमाल की बात यह है कि पाकिस्तान सरकार के इस बयान से भी लोग तस्वीर पटक रहे हैं, जिसमें सरकार ने कहा है कि पाकिस्तान का मोरल और डिप्लोमेटिक समर्थन कश्मीरियों के साथ है। लोगों का कहना है पाकिस्तान का यह घिसा पिटा बयान अब एफिल टावर पर टंग चुका है। पाकिस्तान के इसी शांतिपूर्ण संदेश वाले बयान ने मोदी को कश्मीर में इतना बड़ा कदम उठाने के लिए प्रेरित किया। इमरान खान डोनाल्ड ट्रंप के भरोसे तहमंद बदलते रहे, मोदी ने कश्मीर बदल डाला। बड़ी बात यह है कि भारत के मुस्लिमों की तरफ से जो समर्थन धारा 370 के लिए मोदी सरकार को मिला है, उससे भी पाकिस्तान को OIC में मुंह की खानी पड़ सकती है। अखंड हिंदुस्तान के मुसलमानों ने इस बार सकारात्मकता दिखाई है, जिससे OIC में एक मजबूत संदेश भारत की तरफ से जा रहा है। OIC को मालूम है कि भारत में दुनिया की दूसरी बड़ी मुस्लिम आबादी है, इसलिए उसे भी भारत के विपरीत बयान देने से पहले 100 बार सोचना होगा। बिलावल भुट्टो के आह्वान पर आज 11 बजे पाकिस्तान अपनी संसद बिठाने जा रहा है, जिसमें बड़ी बड़ी बकलोलियां होंगी, तहमंद फाड़े जाएंगे, फिर कहीं से अजान की आवाज आएगी और ये मदरसा छाप नमाज पढ़ने के लिए दौड़ पड़ेंगे। फिर सदैव की तरह ये भूल जाएंगे कि इन्होंने अपनी संसद में कौन सा तीर छोड़ा था। वैसे इससे ज्यादा ये कुछ कर भी नहीं सकते हैं। देश की हालत खराब है, कंगाली में दाना खाने के पैसे नहीं है। भारत से युद्ध किया तो पूरा पाकिस्तान भीख के लिए रखे कटोरे भी खो देगा। हालांकि पिछले हफ्ते पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर अपना तोपखाना और लड़ाकू विमान खड़े किए थे, जो डूबते कराची की तरह अभी भी जंग लगने से सहमे हुए हैं। पाकिस्तान जैसा पिद्दी और मदरसा छाप मुल्क मोदी के सामने कहीं नहीं ठहरता है। अब केवल पाकिस्तानी हुक्मरान अपनी झुंझलाट ही बयान कर रहे हैं। यह लोग 2-4 दिनों तक मुगलों वाली पद्धति का अनुसरण करके पाकिस्तान को गधैया नृत्य कराने के लिए मजबूर करेंगे। इसके बाद साबुन के झाग की तरह यह बैठ जाएंगे, क्योंकि इन्हें आज भी भीख की जरूरत है। उससे ध्यान हटाया तो फिर तस्वीर पटकने की नौबत भी नहीं रहेगी। पर इस सब के बीच एक बड़ा डर जरूर है कि कहीं इस चक्कर में मोदी POK को ना छीन ले जाए। मतलब वह कश्मीर को लेकर तहमंद फाड़ते रहे और मोदी POK को लेकर कोई कारस्तानी कर जाए।